हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल शुभम जैन। आज हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ में पार्ट नंबर 8 कवर करेंगे, जो आपका पंजाब के वेरियस टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स एंड एसएससी सीजीएल मेंस के लिए जो जीके आएगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 10-11 MCQs हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका न्यूज़ में आर्टिकल्स रहते हैं उनके बिहाफ पे आपसे क्या करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, और उनके रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी स्टैटिक जीके जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 रहेगा। वेरियस एग्ज़ाम्स की बात करें तो PSSS भी जितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, क्लरिकल, एक्साइज, ठीक है, पटवारी आने वाले दिनों में, एंड पुलिस एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए आपका ये सेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 23 जनवरी जो है वो आपका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से, ठीक है। इट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज, इस एनिवर्सरी को हम और किस नेम से सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि ये 23 जनवरी किस नेम से जाना जाता है, वो है आपका पराक्रम दिवस। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि जो ये शौर्य दिवस है वो किस लिए मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, रिसेंटली अंडमान निकोबार में कुछ आइलैंड्स को रीनेम किया गया है, ठीक है, 21 आइलैंड्स हैं। तो आपने मेरे को ये बताना है कि जो पहले एक वहाँ पे रॉस आइलैंड होता था अंडमान एंड निकोबार में, उसको किस नेम से रीनेम किया गया है। चलो यहाँ पे बताई देते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है इस आइलैंड का जो है वो आपका भी ऑफिशियल नेम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आर नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज। अभी क्या है कि रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार में 21 आइलैंड्स को रीनेम किया गया है, ठीक है, उन पर्सन्स के नेम पे जो हमारे परमवीर चक्र अवार्डीज थे। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप कमेंट करके ये भी बताइए कि जो ये परमवीर चक्र अवार्डीज होते हैं, मतलब परमवीर चक्र किन लोगों को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज इको बाबा। इको बाबा के नाम से पंजाब में किसको जाना जाता है, वो है आपके बलवीर सिंह सिंचेवाल, ठीक है, जो आपका इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो आपकी ये रिवर्स होती हैं उनको क्या करने के लिए, साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी, जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं ऑन वाटर कंजर्वेशन, उनके ऊपर जो बनी है, तो उन्होंने उनके जो चेयरमैन है उनको इनवाइट किया है कि आप पंजाब में आइए और पंजाब के यहाँ पे ग्राउंड वाटर को असेस करिए, ठीक है, रिवर वाटर को असेस करिए कि इनकी पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड 2 वेराइटीज ऑफ ड्रैगन फ्रूट सीटेबल फॉर द कल्टिवेशन इन द स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज वेराइटीज। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी 2 वेराइटीज हैं। तो वो 2 वेराइटीज हैं आपकी रेड ड्रैगन 1 एंड व्हाइट ड्रैगन 1। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं ड्रैगन के बारे में। ड्रैगन फ्रूट जो होता है आल्सो नाउन एज पिताया हाइलोसेरस स्पेशल इसका नाम है, ठीक है, स्पीसीज में ये आता है, बिलोंग्स टू टेक्टिस फैमिली, ओरिजिनेटेड इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, यानी कि इन कंट्रीज का क्या है ये फ्रूट है। तो इन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें इन 2 वेराइटीज़ को अलाउड कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये हाई इन डिमांड रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि रिसेंटली अभी आपका जो PCS जुडिशियल का एग्जाम हुआ था वहाँ पे कॉटन की एक वेराइटी पूछ रखी थी, ठीक है, PJ34 करके थी शायद। तो इस तरह के एग्जाम्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज फेमस लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल जो है वो आपका न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे नॉन हिंदू जो हैं उनकी एंट्री अलाउड नहीं है। उनकी एंट्री को अलाउड करने के लिए वहाँ के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसकी वजह से ये क्या हो गया, काफी न्यूज में आ गया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, उड़ीसा पुरी में। लॉर्ड जगन्नाथ जो है वो आपके लॉर्ड विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं, ठीक है। ये हम जो अपना NCERT हिस्ट्री की सीरीज हमने चलाई हुई है उसमें भी हम डिटेल में इसको कवर करते हैं कि इंडियन पॉइंट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में हमने जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया है उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सुधीर रमन कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट।
ये है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन जो है उन्होंने वर्ल्ड जो बैडमिंटन फेडरेशन है उनसे ये मांग की है कि जो 2023 का जो फाइनल्स होने वाला है उसको इंडिया में करवाइए, क्योंकि ये पहले चाइना में करवाना था लेकिन चाइना में कोविड पैंडमिक की वजह से इसको फिनलैंड में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, तो सुधीर रमन कप आपको पता होना चाहिए किस स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डिगोंग। डिगोंग के बारे में हम जो अपना पीसीएस की लेक्चर सीरीज है उसमें डिटेल में कवर करेंगे। रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसका जो IUCN स्टेटस है वैसे तो वो वल्नरेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन कुछ कंट्रीज में इसकी जो स्पीसीज की काउंटिंग है वो डिक्रीज होती चली जा रही है, इसलिए ये क्या हो गया इसका स्टेटस चेंज करके थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन चला गया है। ठीक है, तो इसलिए ये बताना है न्यूज में था। तो हमारे इंडिया में पहला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बना हुआ है, ये तमिलनाडु में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंसिस रिपोर्ट ग्लोबल 500 2023, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप ब्रांड। ये एक ब्रांड फाइनेंसिस रिपोर्ट एक तरह का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका वर्ल्ड के लीडिंग ब्रांड्स को क्या करता है, रैंक करता है। आपको ये बताना है कि अभी टॉप का ब्रांड कौन सा है, तो वो है आपका अमेज़न। पहले कौन सा होता था, एप्पल। अमेज़न फर्स्ट पोजिशन पे है, सेकंड पोजीशन पे आपका एप्पल है, थर्ड पोजीशन पे आपका गूगल एंड फोर्थ पोजीशन पे आपका माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सरसाइज साइक्लोन वन के बारे में है। ये बताना है कि ये ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में है, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में है ये। ठीक है, रिसेंटली वो हेल्ड की गई थी राजस्थान में, जैसलमेर में। नेक्स्ट आपका, 18th एडिशन ऑफ द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को पब्लिश करती है, वो है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी एक मीटिंग भी होएगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि वो कहाँ पे होता है, फेमस जगह है वो, एक तरह का जस्ट विलेज ही है। ठीक है, स्वीडन में है। आपको बताना है वो कहाँ पे है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स व्हाट इज इंडियाज रैंक। इंडिया का रैंक बताना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ये एक्चुअली एक इंडेक्स है जो कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको रैंक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का पोजीशन जो है वो आपका फोर्थ है। फर्स्ट पोजीशन पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पोजीशन पे आपका रशिया, थर्ड पोजीशन पे आपका चाइना। तो इंडिया का पोजीशन क्या है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, वो है फोर्थ। ठीक है, तो आगे भी हम इस तरह की सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, करंट अफेयर जो है आपको डेली बेसिस पे करने हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे इन द सेंस 2-3 डेज के बाद भी आप वीक में कर लो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम से पहले इकट्ठे MCQs पढ़ के जा रहे हो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं मिस हो जाती हैं। तो रेगुलर बेसिस पे भी करते रहो, फिर एग्जाम से पहले आपको क्या करना है उन चीज़ों को रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।